अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चने वाला पुलाव, जिसके लिए मैंने प्याज लिया है, एक बड़ा कट बड़ा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, 3 अदर टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं और नमक लिया है मैंने 3 चम्मच, हरा धनिया लिया है मैंने पिसा हुआ 1 चम्मच, 2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 3 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ली है कुटी हुई और 1 हाफ स्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर और 1/2 kg मेरे पास चने हैं वाइट वाले जो मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं। घी मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, इसमें डालेंगे हम प्याज। घी गरम हो गए, प्याज को हमने ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है प्याज का। इस पे अब मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी। इस पे मैं डाल दूंगी अब टमाटर, हरी मिर्चें और ये सारे मसाले। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें चने और इन्हें हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे मसाले के अंदर। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। तकरीबन 3 ग्लास पानी है ये और जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जब पानी उबल जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी हमारा उबल रहा है, मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ये 1 kg चावल है। पानी को उबाल आ रहा है और अब इसमें थोड़ी देर तक मैं इनको दम पे लगा दूंगी। चावल अब बस दम के करीब है, अब मैंने दम पे लगाने लगी। बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है हमारे चावलों का। हमारा चना पुलाव रेडी हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत प्यारा कलर आ चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस रेसिपी को घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी और जल्दी से बन जाने वाली है।